Hey friends, this is RJ Rahul and you are listening to your favorite show Gadget Cafe. Let's explore. Friends, आज शो में बहुत कुछ है और सबसे पहले हम बात करेंगे आज टेक न्यूज की. बहुत सारे टेक न्यूज हैं आपके लिए और मैं चाहता हूँ आप हमेशा रहें अपडेट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से. My name is Ajit Wadekar, former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. Hey, Umesh Kulkarni, former Indian test cricketer. And aap sun rahe hain Radio Udaan. A flight of flight. क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार क्या करूं? दुखी कर दिया है घर वालों ने. लड़की ढूंढ, शादी कर ले. उनको समझ नहीं आता मैं ब्लाइंड हूं. कहां से ढूंढूं लड़की? जिस भी वेबसाइट पे जाता हूँ एक भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है. तो चिंता किस बात की? आज ही डाउनलोड करें इनक्लब INCLOV, अ फुली एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव ऐप जो कर सकता है आपके सपनों को साकार और दिला सकता है आपको आपका मन चाहा लाइफ पार्टनर. इसे आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही लॉग इन करें www.inclub.com और कॉल करें 01244034567. हैप्पी मैच मेकिंग. माय नेम इज अजीत वाडेकर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम. हाय देयर, दिस इज विद्या नाइक, फॉर्मर वुमेन्स क्रिकेटर एंड आल्सो सोशल वर्कर. मैं उमेश कुलकर्णी, फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर. एंड आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान. A flight of flight. फर्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है बिटकॉइन को लेकर. बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $17,000 को क्रॉस कर गया है और जिन्होंने बहुत पहले लिए थे बिटकॉइंस $2-4 में उनके हो गए हैं मजे. बट मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने की और कोई महान लोग हैं, कुछ समझदार लोग ऐसे भी हैं जो लोगों से उधार लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई अपने घर को मॉर्गेज कर ले रहे हैं बिटकॉइंस, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. ये एक बहुत बड़ा बबल है और बहुत जल्दी फूटने वाला है. नेक्स्ट जो अपडेट है वो अमेजोन के अलेक्सा को लेकर है. फ्रेंड्स, अब आप उठेंगे तो आप सुन सकते हैं अपना फेवरेट सॉन्ग या कोई फेवरेट रेडियो स्टेशन जैसे कि रेडियो उड़ान. शायद हो सकता है, पता नहीं, बट बिकॉज ये ऑनलाइन रेडियो है तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता. बट हाँ, अलेक्सा में एक ऐसा फीचर अमेजोन ने ऐड कर दिया है जिसके थ्रू आप अब अपने फेवरेट सिंगर के सॉन्ग के साथ और किसी फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ अलार्म सेट कर सकते हैं अलेक्सा में और फिर जब आप उठेंगे सुबह तो वो अलार्म बजेगा एक सॉन्ग की तरह. काफी अच्छा क्रिएटिव इनोवेशन लगता है ये कुछ अमेजोन की तरफ से. नेक्स्ट रिपोर्ट्स आ रही है वो आ रही है यूनिसेफ से और यूनिसेफ का कहना ये है कि इंडिया में हर 3 में से एक यूजर इंटरनेट का वो है एक बच्चा. यानी कि इंडिया में 33% बच्चे यूज करते हैं इंटरनेट को और ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है क्योंकि हो ऐसा रहा है कि इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें रॉन्ग भी होती है, काफ़ी एब्यूजिव कंटेंट भी होता है इंटरनेट पर, तो और बच्चे इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करें, इंटरनेट एक्सेस करें, वो अच्छी बात नहीं है. हालांकि हाँ, अगर वो अपनी स्टडी मटेरियल को फाइंड करने के लिए या कुछ कंस्ट्रक्टिव काम के लिए इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो ये वाकई में एक अच्छी न्यूज़ है. नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ऑडिया टेक्निका की तरफ से. उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं अपने 2 नए हेडफोन और एक ईयरफोन सेट्स जिनकी प्राइस है 8,000 और 16,000. नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है नोकिया 6 के लिए. नोकिया ने अनवेल किया है नोकिया 6 का 2018 एडिशन और पता नहीं मुझे क्यों ये एक दोबारा से 2018 एडिशन लेकर आ रहे हैं. इतना सक्सेसफुल फ़ोन नहीं रहा ये नोकिया के लिए,
बट एनीवेज लेकर आ रहे हैं वो, और उसमें होगा 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट जो होगा वो होगा पीछे में। बट अगर वो लेकर आ भी रहे हैं तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा नोकिया से, तो प्लीज उसका जो प्रोसेसर है वो अगर 430 की जगह 660 या 635 ऐसा कोई हो तो शायद बिक जाए ये फोन। और नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है शाओमी की तरफ से। शाओमी प्लान कर रहा है इलेक्ट्रिक कार इंडिया के लिए। अभी तक तो शाओमी ब्रश से लेकर फोन बना रहा था, एयर प्योरीफायर्स बना रहा था, और अब प्लान कर रहा है इलेक्ट्रिक कार्स भी। देखते हैं क्या करते हैं ये इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, और अगर शाओमी ऐसा कर जाता है तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट में भी बहुत धूम मचाएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही रहा है कि जो भी प्रोडक्ट आता है इनका वो काफ़ी बजट में होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट में शाओमी क्या करता है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है बहुत ही कमाल के प्रोस्थेटिक्स को लेकर। फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने अपने लास्ट शो के अपडेट में आपको बताया था कि कुछ प्रोस्थेटिक्स आ रहे हैं जिनमें काफ़ी तरह के सेंसर्स लगे होंगे। बट अब एक ऐसा प्रोस्थेटिक बनाया है साइंटिस्ट ने, एक आर्टिफिशियल हाथ बनाया है जिसको आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिविजुअली कंट्रोल करने से मेरा मतलब है इंडिविजुअली उसकी फिंगर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया उसके साथ, और एक पियानो को प्ले किया गया और काफ़ी अच्छे से उस आर्टिफिशियल हाथ ने पियानो पर फिंगर्स को जमाया और प्ले कर पाए कंफर्टेबली उस आर्टिफिशियल हाथ के साथ। तो ये आगे चलकर काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है जो लोग आर्टिफिशियल हाथ यूज़ करते हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है स्पेस एक्स को लेकर। स्पेस एक्स ऐसा प्लान कर रहा है कि वो आगे चल के रॉकेट्स को रिसाइकिल करेगा। अभी तक तो हम रॉकेट्स को रीयूज कर रहे थे, बट अब हम रिसाइकिल भी कर पाएंगे रॉकेट्स को, और जो रॉकेट्स पर बैठकर मार्स पर जाने का लोगों का ड्रीम है या मून पर जाने का ड्रीम है, हो सकता है वो थोड़ा चीप, देखते हैं कि कितना चीप हो पाएगा। शायद जैसे कि दिल्ली मुंबई हम जाते हैं एयर टिकट का फेयर होता है, शायद उतना सस्ता हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अगला जो अपडेट है वो शाओमी की मीमिक्स 3 को लेकर है, और इसकी कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं रियल पैनल्स की, और उसमें ऐसा शो हो रहा है कि ये कॉपी होने वाला है आईफोन 10 की। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर आईफोन 10 को कॉपी कर रहा है शाओमी तो क्या जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, आपके फ़ोन्स इंडिया में इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो जो लुक्स हैं उसकी वो भी आपकी एक इंडिविजुअल होनी चाहिए, आपका खुद का डिज़ाइन होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा होगा। एनीवेज देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये सिर्फ रूमर्स हैं या सच में आईफोन की कॉपी बनाते हैं शाओमी, ये देखने वाली बात होगी। स्नैपटेक ने अनवेल कर दिया है अपना अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ये काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है। जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा, वैसे ये कंपनी जो है फेमस है अपने ट्रैक पैड्स के लिए, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये किन डिवाइसेस में आने वाली टेक्नोलॉजी है अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो देखते हैं कि लैपटॉप्स में सबसे पहले आता है या फोन्स में, तो ये एक देखने वाली बात होगी। एक सर्वे हुआ है एशिया पैसिफिक को लेकर, और इस सर्वे में पता चला है कि इंडिया नंबर 1 पे आता है एशिया पैसिफिक रीजन में वीडियो कंटेंट को लेकर। इंडियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और अच्छी बात है ये शायद, बट हाँ ये ऐसा ना हो कि इसमें बच्चे भी हों जो कहीं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट यूज़ कर रहे हों, बट अगर अच्छा है इंडिया नंबर 1 कहीं तो बन रहा है वीडियो कंटेंट में। नेक्स्ट अपडेट आपके गूगल पिक्सल को लेकर है। अगर आपके पास है गूगल पिक्सल तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा एक अपडेट उनके AR स्टिकर्स को लेकर, और काफ़ी
फन इमोजीज आप क्लिक कर सकते हैं, पिक्चर्स को क्लिक कर पाएंगे। ये ऐसा अपडेट आ रहा है ओरियो में। नेक्स्ट अपडेट भी है एंड्रॉयड ओरियो को लेकर, और अपडेट ये है कि पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ 0.5% यूजर्स के पास ही है। और मैं को समझ में नहीं आता कि जहाँ अभी तक न्यूगर्ड इंडिया में सभी फोन्स में नहीं है, उससे पहले मार्शमेलो भी सभी फोन्स में नहीं था। अपडेट्स तो गूगल निकालता रहता है एक के बाद एक, बट क्यों ये सभी यूजर्स के पास नहीं पहुंच पाते। और सबसे बुरा तो तब लगता है जब कुछ यूजर्स अभी तक जिंजर ब्रेड आइसक्रीम सैंडविच ओएस पर ही हैं। तो इसके बारे में भी कुछ गूगल को सोचना चाहिए। बट ये ठीक है, 0.5% शायद इस बार बढ़ जाए कुछ यूजर्स, इसकी तरफ मेरे को लगता है कि गूगल को जरूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है सैमसंग के गैलेक्सी S9 को लेकर। उसमें आने वाला है बहुत इम्प्रूव आयरस स्कैनर, और वो तरह तरह की कंडीशंस में अगर आपने स्पेक्स पहन रखे हैं, गॉगल्स पहन रखे हैं, तब भी वो कर पाएगा आयरस को स्कैन और कर पाएगा आपके फोन को अनलॉक। और जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है एयरटेल की तरफ से कश्मीर के यूजर्स के लिए। ये गुड न्यूज है कश्मीर के यूजर्स के लिए कि ले लद्दाख एरिया और कारगिल और काफी सारा ऐसा और भी एरियाज हैं कश्मीर के जहां इस्टेब्लिश कर लिया है एयरटेल ने अपना 4G नेटवर्क। तो ये काफी अच्छी बात है, और क्योंकि बहुत परेशानी होती है खास करके कश्मीर के लोगों को मोबाइल नेटवर्क को लेकर और इंटरनेट नेटवर्क को लेकर, बट अब एक अच्छी न्यूज है उनके लिए। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है ऑनर 8 प्रो और ऑनर 6X को लेकर। उनके प्राइस ड्रॉप हो गए हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनर के फोन्स लेने में तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आपके पैन कार्ड को लेकर है। अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो प्लीज उसे करवा लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। अभी तक 14 करोड़ पैन कार्ड्स ही लिंक हो पाए आधार कार्ड के साथ, जबकि 33 करोड़ पैन कार्ड्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, और अभी सिर्फ 14 करोड़ ही लिंक करवाए गए हैं। तो प्लीज अगर ऐसा कुछ है आपके पास पैन कार्ड है तो प्लीज उसे आधार के साथ लिंक करवा लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। Xiaomi के Mi 7 और Mi 7 Plus लॉन्च होंगे 2018 में, और ये फोन हो सकते हैं इनके अंदर प्रोसेसर जो है वो हो सकता है 845 या 849। तो देखते हैं ये फोन 2018 में आएंगे तो क्या धमाल मचाएंगे, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो होने वाला है अराउंड 30,000। तो 30,000 में Xiaomi हमें क्या देगा, ये बहुत ही सोचने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक बजट फोन्स में उन्होंने ऐसे ऐसे फीचर्स दिए हैं जो कमाल के होते हैं, और अब अगर वो 30,000 में कोई फ़ोन लेकर आ रहे हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या कमाल होगा। Uber ने एक साइट लॉन्च की है ईयर विद Uber, जहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने इस साल कितना Uber को यूज़ किया, कितने किलोमीटर्स आप Uber को यूज़ कर पाए या आपने यूज़ किया, वो आपको इंफॉर्मेशन वहां पर मिल सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये, और ठीक है आप में से जो भी इसको चेक करे प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये फीचर या ये रिपोर्ट या ये इनोवेशन या क्रिएटिव आइडिया जो ऊपर का है ये आपको कैसा लगा। LG V30 Plus हो गया है आज लॉन्च, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले शो में इसका लेकर आ पाऊँ आप सभी के लिए रिव्यू। बहुत ही कमाल का फ़ोन है ये, तो ज़रूर रिव्यू करेंगे हम लोग इसको। दिसंबर 14 को हो रहा है लॉन्च OnePlus का लिमिटेड स्टार वॉर एडिशन, और इसी के साथ आपको इस मूवी की टिकट्स फ्लैट सेल में मिलने वाली हैं पेटीएम पर सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपए में। नेक्स्ट जो अपडेट है वो एक कमाल की रिसर्च को लेकर है,
और इस रिसर्च में पता चला है कि एक्सरे लेजर से आप डायमंड को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रेफाइट में। स्टडी में बेसिकली ये पता लगाया जाएगा कि कार्बन कैसे रीअरेंज होता है अलग अलग फॉर्म्स में, बिकॉज डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, केफील भी कार्बन है और कोयला भी कार्बन है, वो तो आपको पता ही है। बट सोचिए अगर आपका किसी, ये स्पेशली फीमेल लिसनर से मेरा क्वेश्चन है कि आपको कैसा फील होगा अगर आपने जो डायमंड पहने हो वो अचानक से चेंज हो जाए ग्रेफाइट में, तो वो कैसा लगेगा? प्लीज मुझे मेरे फेसबुक पेज पे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रहा है गूगल मैप्स को लेकर। गूगल मैप्स में एक ऐसा फीचर आने वाला है जिसमें कि अगर आप ट्रेवल करते हैं बस या ट्रेन से, तो आपकी अगर आंख लग जाती है, आप सो जाते हैं, तो गूगल की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आपका स्टॉपेज आ जाएगा। तो ये एक कमाल का फीचर होने वाला है। स्पेशली मैं मानता हूँ कि वी आईज के लिए एक अलग फीचर होने, अच्छा फीचर होने वाला है। सोए ना सही, बट फिर भी अगर हमें पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारा स्टॉपेज आने वाला है, तो कितना अच्छा अच्छा फीचर गूगल मैप्स की तरफ से। जो एक और अपडेट एयरटेल की तरफ से है, एयरटेल ने अगले 1.5 साल में नॉर्थ ईस्ट के 2100 विलेजेस में अपना नेटवर्क कवर करना है, जहां पर अभी तक कनेक्टिविटी ना के बराबर है या ना है ही नहीं, वहां एयरटेल देने वाला है अपना नेटवर्क अगले 1.5 साल में। एक जो अपडेट आ रहा है वो है एलजी की तरफ से। एलजी का G7 2018 में हो सकता है लॉन्च मार्च के महीने में, और देखते हैं कि ये फोन में कौन सा प्रोसेसर होगा, 845 या 830। एक जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है इंडिया की इंटरनेट स्पीड को लेकर। उसमें रैंकिंग आ रही है इंडिया की 109, जहाँ पे नेपाल और श्रीलंका भी हमारे से आगे है। और इसमें पता चलता है कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड जो है बहुत कम है और 109 नंबर पर इंडिया आता है। यू आर लिसनिंग टू गैजेट कैफे विद गैजेट गुरु राहुल। स्टे कनेक्टेड विद रेडियो उड़ान। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ही विल बी राइट बैक विद मोर अपडेट्स। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. Prem, naam hai mera, Prem Chopra. Prem Chopra naam hai ji mera. Aap sun rahe hain Radio Udaan, the flight of life. आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। जो नेक्स्ट अपडेट है वो आ रहा है ओपन सिग्नल की तरफ से, और इनके सर्वे में पता चला है कि इंडिया 4G नेटवर्क की स्पीड में वर्ल्ड में लास्ट नंबर पर आता है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, बट हो ये कह सकते हैं कि नंबर 1 पे तो नहीं आएगा स्पीड के मामले में,
बट अब लास्ट है वर्ल्ड में तो ये सोचने वाली बात होगी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप का एक नया फीचर आने वाला है जिसके थ्रू आप जो ग्रुप में मैसेजेस भेजते हैं तो उसमें भी आप पर्टिकुलर पर्सन को प्राइवेट मैसेज भेज पाएंगे ग्रुप में चैट के दौरान ही। और जो उसका वेब वर्जन है उसके लिए ये अपडेट आ रहा है कि अब आप अपने डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड में व्हाट्सएप को रखकर अपना काम कर पाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। एयरसेल की तरफ से भी एक न्यूज़ है कि एयरसेल कह रहा है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने बिजनेस को वाइंड अप करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत दिनों से यही न्यूज़ आ रही है कि बहुत जल्दी रिलायंस की तरह एयरसेल भी बंद हो जाएगा। तो एयरसेल कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ओप्पो की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है और वो ये आ रही है कि ओप्पो को मिल गई है परमिशन नोएडा में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की, जिसकी कॉस्ट है 2,200 करोड़ रुपए। और यहाँ पर ओप्पो करेगा अपने फोन्स को असेंबल। बस ओप्पो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने फोन्स की प्राइसिंग थोड़ी ठीक कर लें तो मज़ा आ जाए। पता नहीं क्यों आप जो 10,000 रुपये का फ़ोन होता है वो आप 20-25 हज़ार रुपये में बेचते हैं सेल्फी के नाम पर। तो प्लीज़ इस प्राइसिंग को ठीक करें तो काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है वोडाफोन से। वोडाफोन ने एक बहुत ही अच्छा मजाक किया है अपने कस्टमर्स के साथ। और अभी फ़िलहाल ये मजाक जो है वो अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सर्कल के यूज़र्स के साथ कर रहा है। उसने एक प्लान निकाला है 176 रुपीज़ का। और जो प्लान है वो ये है कि 28 डेज के लिए आपको 1 GB डेटा मिलेगा और साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉल्स। अब आप सोचेंगे कि इसमें मजाक क्या है। मजाक ये है कि जो 1 GB डेटा है वो है 2G। तो 4G के जमाने में 2G डेटा 1 GB मिलेगा आपको, तो हुआ ना एक ये मजाक। साथ ही साथ एक और अपडेट भी मैं देना चाहूँगा लिसनर्स को। ये सिर्फ वोडाफोन की तरफ से ही नहीं है, एयरटेल भी है इसमें और आइडिया भी है। और मैं ये स्पेशली वोडाफोन के यूज़र्स को बताना चाहूँगा कि आप रिचार्ज करवाने से पहले ज़रूर इस बात पर ध्यान दें कि वोडाफोन एक 458 रुपीज़ का प्लान निकाला है 1 GB डेटा 3G या 4G 70 डेज के लिए। बट मैं उसमें ये बता दूं कि कॉल्स जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, ना ही उसमें मिनट पैक है। उसमें आपको 40 पैसा पर मिनट कॉल लगेगी। तो रिचार्ज करवाने से पहले प्लीज़ अपने प्लान्स को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही रिचार्ज करवाएं, क्योंकि वो जो जियो वाले मज़े हैं अब ये कंपनीज आपसे छीन रही हैं। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो रिलायंस जियो को लेकर आ रहा है। रिलायंस जियो का एक सर्वे हुआ है। रिलायंस जियो का सर्वे नहीं है ये, मतलब सर्वे हुआ है रिलायंस जियो को लेकर कि हो सकता है कि 2018 में ये अपने प्लान्स के बढ़ा दें प्राइस। और अगर जियो प्राइस बढ़ाता है तो वोडाफोन एयरटेल आइडिया भी बढ़ा देगा अपने प्राइस। तो अभी एकदम से कॉस्टली कर दिए हैं इन्होंने सभी ने अपने प्लान्स। तो देखते हैं 2018 में कितना महंगा होता है डेटा प्लान। तो भैया गड़बड़ होने वाली है यूज़र्स, तो देखिए कितना महंगा होगा और कितने पैसे आपको 2018 में देने पड़ेंगे। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो आ रहा है एसर की तरफ से। एसर ने इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं अपने मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट। मिक्स्ड रियलिटी से मतलब है कि आप इसमें एआर और वीआर दोनों का मज़ा ले सकेंगे और विंडोज़ को देख पाएंगे एक अलग ही तरीके से। आप देखते हैं कि कंप्यूटर पे कनेक्ट करके इनको विंडोज़ को एक अलग ही फॉर्म में देख पाएंगे, अलग ही मज़ा आएगा एआर और वीआर हैंडसेट को कनेक्ट करके देखने का। तो फ्रेंड्स आज के अपडेट्स में इतना ही, और हो चला है वक्त ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन पैसे का आकार एक सा हो चला है, छूने से उलझन ना मिट पाएगी। अब पैसा कैसे जोड़ोगे जब खुद ही ना जुड़ोगे? मैं रोहित त्रिवेदी, दृष्टिहीन नागरिक भोपाल से। पैसा पूछे पहचान कौन? आई रजनी गोपाल, ब्लाइंड सिटीजन फ्रॉम बैंगलोर। पैसा पूछे पहचान कौन? इस्तेमाल के लायक ना सही, पैसा ताकत देता है। यदि छूने से अंतर ना पहचानोगे तो इस पैसे की ताकत को कैसे अपनाओगे? हम दृष्टिहीन नागरिकों द्वारा हमारे हित में कॉइन्स, नोट्स एवं डिजिटल करेंसी के बदलाव को समर्थन दीजिए। लॉगिन कीजिए tinyurl.com/AIC petition यानी के tinyurl.com/AICPETITION। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए tinyurl.com/facebook-AIC। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी। आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोलती हैं किताबें और बनाती हैं आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत और हसीन। इन्हीं किताबों को आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाने मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ शो बुक वर्ड, जिसमें होंगी वो किताबें जिन्हें आप खुद पसंद करेंगे। इस शो को सुना ना भूलिए हर बुधवार रात 8 से 9 बजे तक और हर गुरुवार दोपहर 3 से 4। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। चलिए अब बात करते हैं जियोनी के N7 पावर की। ये फोन जो आया है, ये आया है करीब 17,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ, और जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस, फिर बात करेंगे कि ये फोन हमें लेना चाहिए या नहीं। ये फोन का स्क्रीन साइज है 6 इंचेस का और 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो के साथ आता है। जो इसका रेजोल्यूशन है वो है 1440x720 pixels और 2.5D का ग्लास भी इसको इसमें लगा हुआ है, और साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। मेटल है इस फोन में, मेटालिक फ्रेम है इस फोन का। जो बैक पैनल है इसका, वो उस पर टेक्सचर दिया गया है, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है वो इस फोन को। इसमें सर्कुलर टेक्सचर दिया गया है जो काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है आपके फ़ोन को, हाथ से ये फ़ोन फिसलेगा नहीं आपके, ये काफ़ी अच्छी बात है। इस सर्कुलर टेक्सचर की वजह से फ़ोन पर फिंगरप्रिंट्स नहीं छपते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। फ़ोन में दिए गए हैं डुअल सिम स्लॉट जो कि हाइब्रिड सिम है। इसका मतलब है कि आप या तो दो सिम यूज़ कर सकते हैं या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आयर ब्लास्टर का फीचर भी दिया गया है इस फ़ोन में, यानी कि आप अपने फ़ोन को एक रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। 3.5mm हेड जैक भी इस फ़ोन में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट कैमरा है इसमें, और 3 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें बैक साइड में दिया गया है, और इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो दिया गया है स्नैपड्रैगन 435, और मेन हाईलाइट जो इस फ़ोन की है वो है इसकी बैटरी जो इसमें दी गई है 5000 mAh। इसमें जो मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा वो है ये है कि आप इसमें एक्सटर्नल पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा है। और साथ ही साथ इसमें स्मार्ट आई प्रोटेक्शन का फीचर भी दिया गया है, जो कि आपको काम आ सकता है पढ़ने के टाइम में। अगर आप फ़ोन पे कुछ कोई बुक रीड करना चाहते हैं तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। इसमें जो एक और फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा वो है व्हाट्सएप क्लोन का। इसका मतलब ये है कि आप 2 WhatsApp के अकाउंट इस फ़ोन में चला सकते हैं। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मेमोरी मिलती है आपको इस फ़ोन में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, और रेयर कैमरा है इसमें 13 मेगापिक्सल का।
फ्रंट कैमरा में भी आपको पोर्ट्रेट मोड का फीचर मिलता है और साथ ही साथ रियर कैमरा में आपको 3D फोटोज का फीचर भी मिलता है। आप इस फोन से 3D फोटोज क्लिक कर सकते हैं और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप 1080p तक की कर सकते हैं। फोटोज काफ़ी अच्छी आती हैं इस फोन से क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और इसी वजह से काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है ये फ़ोन। अगर हम बात करें हाई एंड गेम्स की तो वो काफ़ी अच्छी चलती हैं, इसमें कहीं लैग नहीं मिलता गेम्स में और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मेन हाईलाइट 5000 mAh की बैटरी है जो आपको कंटिन्यूसली 7 to 14 hours का बैकअप दे देती है। 7 to 14 hours का मतलब है कि ये बैटरी ये फ़ोन आपको 2 दिन लगातार आपका साथ दे देगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो फ़ोन ठीक है, देखने में लुक्स वाइज भी अच्छा है और फीचर वाइज भी अच्छा है। मुझे अगर कुछ इसमें लगा तो ये लगा कि जो इसमें प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 435 और प्राइसिंग रखी गई है इसकी 16,999 मतलब 17,000 रुपये, तो उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा फ़ोन है। बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा बैटरी वाला फ़ोन चाहिए एक, तो आप देख सकते हैं इस फ़ोन को, एक ऑप्शन रख सकते हैं। मैं इस फ़ोन के लिए ना तो पिक दूंगा ना तो मैं इसको किक दूंगा, बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो जियोनी के फ़ोन्स लेना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई जियोनी यूज़र अगर हमारा लिसनर है तो ज़रूर बताएं कि जियोनी के फ़ोन्स में ऐसी क्या खासियत है जो आप इस फ़ोन को लेना पसंद करते हैं, और स्पेशली अगर आपने ये वाला फ़ोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं तो बताइएगा कि आप ये फ़ोन क्यों ले रहे हैं, क्यों जियोनी का फ़ोन आप लेना पसंद करेंगे। सिर्फ 5000 mAh बैटरी के लिए अगर ये आप फ़ोन ले रहे हैं तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बट मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपके ओपिनियंस और आपके रिव्यूज़ जियोनी के फ़ोन्स को लेकर। तो ज़रूर अपने कमेंट आप पोस्ट कीजिएगा और अपनी क्वेरीज भी साथ ही साथ पोस्ट कीजिएगा राहुल गैजेट कैफ़े फेसबुक पेज पर। मैं आप सभी की क्वेरीज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। चलिए, इस फ़ोन के रिव्यू के बाद हो गया है वक्त एक म्यूज़िकल ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार करेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें।
जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूं मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूं मां। माइरे माइरे तेरे बिन मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गैजेट कैफे वंस अगेन। आपने अभी तक वायरस के बारे में सुना कि सिस्टम में वायरस चला गया, मैलवेयर चला गया या रैंसमवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा शोर था और आप सभी को उसके बारे में पता भी होगा। आज हम बात करने वाले हैं क्रैक की। मैं उस क्रैक की बात नहीं कर रहा जो अगर आपका फ़ोन काफ़ी ज़ोर से गिर जाए और उसकी डिस्प्ले पे जो क्रैक आ जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस उस क्रैक की जो एक नया अटैक निकल कर आया है और वो होता है आपके वाईफाई सिस्टम्स पर। अब ये होता कैसे है, ये क्या है, ये मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम वाईफाई यूज़ करते हैं, हमने उसमें पासवर्ड डाला होता है और हम समझते हैं कि पासवर्ड डालने से हमारा जो डेटा है या हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। और मोस्टली जो वाईफाई सिस्टम्स होते हैं वो WPA या WPA2 बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स पर वर्क करते हैं और हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आप अपने डिवाइस से डेटा भेजते हैं राउटर के थ्रू बाहर, तो वो जाता है पैकेट्स में और हर पैकेट्स में एक अलग की जाती है, जो की होती है सिक्योरिटी की होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है। इसलिए आपका जो डेटा होता है वो एनक्रिप्टेड होता है। अब होता क्या है कि जो हैकर है वो इस की को ज़ीरो कर देता है या अननेम्ड कर देता है और आपको बार बार वाईफाई राउटर सिस्टम से एक मैसेज मिलता है जिसको आप क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है हैकर के पास और आपका जो सिस्टम है वो हैक हो जाता है। वैसे तो इस चीज़ का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस सॉल्यूशन इतना है कि कंपनीज जो हैं वो अपडेट्स दें, जो वेंडर्स हैं वो अपडेट्स दें। अब वेंडर्स अपडेट कैसे देंगे ये सोचने वाली बात होगी, और कंपनीज जो हैं वो अपडेट्स दें ये बहुत सोचने वाली बात होगी। सिक्योरिटी पैच अब बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी पैचेस इन सब चीज़ों के लिए। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने ही अपना एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट दिया था अपने यूज़र्स को, बट वो सिक्योरिटी पैच भी उन्हीं के काम का है जो जेन्युइन विंडोज़ को यूज़ करते हैं,
जो पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करते हैं उनके लिए वो किसी काम का नहीं है। और ऐसे ही गूगल जो है वो भी अपडेट दे रहा है, बट उसकी प्रायोरिटी है पहले उसके पिक्सल फोन्स, जिसको वो सिक्योर करने पे लगा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि जो एंड्रॉयड फोन्स हैं मोस्टली छोटे मोटे ब्रांड्स के स्पेशली चल रहे होते हैं, मार्शमेलो पर या उससे किटकैट पर या लॉलीपॉप पर, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता एंड्रॉयड को, आई मीन टू से गूगल को, बिकॉज जो रिस्क है वो 6.0 से ऊपर के यूज़र्स को ज़्यादा है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले यूज़र्स के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब मैं 6.0 एंड्रॉयड यूज़र्स या लिनक्स ओएस यूज़र्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि विंडोज़ या आईओएस यूज़र्स सेफ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप सभी को कि विंडोज़ भी एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट लास्ट मंथ दे चुका है, तो अब कर क्या सकते हैं इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, सिक्योरिटी इस तरह से कर सकते हैं कि पासवर्ड्स को टाइम टू टाइम हम चेंज कर दें तो शायद कुछ हो सकता है, बट उससे भी इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट हमें अलर्ट रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, और वेट करना पड़ेगा कि कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं इस चीज़ को लेकर। इससे ज़्यादा फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलर्ट था, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी ज़रूरी समझी। तो फ्रेंड्स, इस इंफॉर्मेटिव शेयरिंग इंफॉर्मेशन के बाद अब हम बात करते हैं पावर बैंक्स की। हमने लास्ट वीक एक पावर बैंक रिव्यू किया था, और उसके बाद एक लिसनर ने मुझे मैसेज किया और बताया कि उन्होंने एक पावर बैंक लिया था जो एक या दो बार चार्ज हुआ उनका फ़ोन, और उसके बाद वो बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को बताया जाए कि पावर बैंक्स लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, पावर बैंक्स 1500 mAh से लेकर 30,000, 40,000, 50,000 mAh तक जाते हैं, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन सा पावर बैंक लेना है, कितनी कैपेसिटी के लेना है, ये आपको डिसाइड करना होगा आपके यूसेज के अकॉर्डिंग। अब आपने तीन डिवाइसेस अपने एक साथ चार्ज करने हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। अगर आपको एक ही फ़ोन या एक ही डिवाइस चार्ज करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको इसके लिए बोलूँगा वो ये कि सबसे पहले तो आप कभी भी पावर बैंक परचेज करें तो किसी रेप्यूटेड कंपनी का करें, ना कि किसी लोकल ब्रांड के लिए जाया कीजिए। सेकेंडली, आप अगर सोचते हैं कि अगर आपने 10,000 mAh का पावर बैंक ले लिया है और आपके फ़ोन की बैटरी है 2,500 mAh की, तो वो चार बार चार्ज हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कंपनीज 10,000 mAh उस पर डिस्क्राइब कर रही है तो स्पेसिफाई कर रही है अगर 10,000 mAh तो वो 10,000 mAh नहीं है, वो झूठ बोल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता ये है कि जब पावर बैंक आपके फ़ोन को चार्ज करता है तो कुछ कन्वर्जन लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो मिलती है पावर बैंक की वो 75% to 90% ही रह जाती है। अगर आपका फ़ोन की बैटरी 2,500 mAh की है तो वो तीन बार ही चार्ज हो पाएगी, और अगर आपके फ़ोन की बैटरी 3,000 mAh की है और जो एफिशिएंसी है पावर बैंक की वो 90% है, तो आप देख लीजिए 3,000 × 3 90% है तो वो तीन बार चार्ज होगा। तो एफिशिएंसी को लेकर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा आप सभी को कि किसी भी पावर बैंक की एफिशिएंसी को आप एक या दो बार चार्ज करने पर प्लीज़ मत जज कीजिए, क्योंकि पावर बैंक अपनी एफिशिएंसी
पाँच सात आठ दस चार्जिंग साइकिल्स के बाद ही आपको अपनी पूरी एफिशिएंसी दे पाता है, उससे पहले वो आपको पूरी एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आजकल कुछ पावर बैंक्स आ रहे हैं जो तीन डिफरेंट पोर्ट्स के साथ आते हैं, जिनमें एक टाइप सी पोर्ट भी दिया गया होता है। अगर आपका डिवाइस कोई टाइप सी पोर्ट कंपैटिबल है तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए जो मेंशन होता है पावर बैंक्स की टाइप कौन कौन से पोर्ट्स दिए हुए हैं, उसमें ज़रूर चेक कीजिए कि उसमें टाइप सी पोर्ट दिया गया है या नहीं। आज और एक फीचर जो नया आजकल चल रहा है पावर बैंक्स में, वो है फास्ट थ्रू चार्जिंग का। फास्ट थ्रू चार्जिंग से मेरा मतलब है कि अगर आपने फ़ोन पावर बैंक से कनेक्ट किया हुआ है और जो पावर बैंक है वो एडाप्टर से कनेक्टेड है और आप रात को उनको चार्जिंग पर लगा कर सो जाते हैं, तो होगा ये कि जो आपका फ़ोन है सबसे पहले तो होगा वो चार्ज और उसके बाद होगा आपका पावर बैंक चार्ज। तो इस तरह से आपका पावर बैंक और फ़ोन दोनों ही चार्ज हो जाएंगे और ये आपके लिए एक अच्छा फीचर हो सकता है। एक और तरह के पावर बैंक्स भी आते हैं जिनमें एक ब्लूटूथ स्पीकर भी दिया होता है, पावर बैंक भी दिया होता है, FM भी दिया होता है और कई पावर बैंक्स में आपको इनबिल्ट टॉर्च भी मिल जाती है। तो आप इन फीचर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी हैंडी फीचर रहते हैं और अगर आप पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप इन फीचर्स की तरफ भी ध्यान दें। एक पॉइंट और जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पावर बैंक दो तरह की केबल्स के साथ आते हैं, एक में तो इनबिल्ट USB केबल दी गई होती है और एक कईयों में अलग से आपको USB केबल मिलती है। तो मेरा मानना ये है और आप सभी को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेफर कीजिए कि आप इनबिल्ट केबल वाले पावर बैंक्स परचेज करें, ताकि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम ही पावर बैंक्स आप सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इनबिल्ट USB केबल वाले पावर बैंक्स ही सही रहेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब आप पैकिंग कर रहे होते हैं और USB केबल्स को आप रखते हैं तो कई बार वो डैमेज हो जाती हैं और थोड़े टाइम के बाद वो ख़राब हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और इससे होता क्या है, इनबिल्ट USB के होने की वजह से आपको एक कन्वीनियंस भी मिलती है और पोर्टेबिलिटी का इशू भी नहीं रहता। और काफ़ी सारे पावर बैंक्स हैं जिनमें आपको इनबिल्ट USB केबल मिल जाएगी या लाइटनिंग केबल मिल जाएगी। मोस्टली क्या होता है कि आप सभी पावर बैंक्स लेते ऑनलाइन हैं और उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस नहीं चेक करते, तो प्लीज़ सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन ज़रूर चेक कीजिए, उसकी वारंटी क्या है ये ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत बार ऐसा चांस होता है कि आपको पावर बैंक स्पेशली फेक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पावर बैंक एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत ही फेक प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ॉन हो, इस पर आपको इनके फेक प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, यानी कि इसके आपको क्लोन भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और ये कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप खरीद सकते हैं एक अच्छा पावर बैंक। बट ये जो मैं आपको अभी इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। और प्लीज़ मैं आपको सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने पहले भी आपको बोला और अब एक बार दोबारा से बोलता हूँ कि डोंट गो फॉर चीप प्रोडक्ट्स, हमेशा रेप्यूटेड ब्रांड्स के ही पावर बैंक्स खरीदें, ताकि आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। इसी के साथ हो चला एक ब्रेक का टाइम और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Tired of reading?
Me RJ Nisha is here with the show Book Word, where I will explain your favorite novels stuffed with emotions and will enlarge your world. So be with me every Wednesday 8 to 9 p.m. and re-webcast every Thursday 3 to 4 p.m. only on Radio Run, a flight of life. No worries. If even you're not in top 16, still, you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Udaan Idol Grand Finale among these top 16. Geetika, Muskan, Sarita, Diksha, Sarika, Manglesh, Shiva, Ashwin, Rakhi, Rohit, Dheeraj, Mamta, Tarun, Resham, Deepna, Yeah, for Raj. Do hurry and send SMS us. We are typing UI space first, second, third. Along with the name of the participant and your name on 94636-68196. Happy winning! Break के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Friends, आज हम information ही share करेंगे. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लिसनर्स को नहीं पता. गैजेट्स तो हम हमेशा ही रिव्यू करते हैं और नए नए गैजेट्स रोज आते भी हैं, बट काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो रह जाती है. तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ज्यादा से ज्यादा आपको इस शो में इंफॉर्मेशन शेयर करूं. फ्रेंड्स, अभी तक आपने फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में सुना है, पैटर्न पासवर्ड, पासवर्ड या फेस आईडी, और आप सोचते होंगे कि बस यही सब कुछ है सिक्योरिटी के लिए, आपके फोन्स की या कुछ और चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए भी यही सब चीज़ें चलती हैं. बट ऐसा नहीं है. जो हाईली सिक्योर्ड जोन्स होते हैं वहाँ पर कुछ डिफरेंट होता है. तो चलिए आज उसी की बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड स्कैनर की. जी हाँ फ्रेंड्स, हैंड स्कैनर भी होता है. जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर में आप एक फिंगर से या एक थंब से अपना फोन अनलॉक कर लेते हैं, ऐसे ही हैंड स्कैनर में आपका पूरा पाम स्कैन किया जाता है. आपकी हथेली जो होती है वो पूरी तरह से स्कैन की जाती है, उस पर फिंगरप्रिंट्स, आपकी जो हाथ में लाइंस बनी होती हैं, रेखा जिन्हें हम हाथ की रेखाएं बोलते हैं, वो सब कुछ स्कैन होता है और मल्टीपल लेवल्स पे उनको स्कैन किया जाता है. जो उसके बाद एक और जो सिक्योरिटी ऑप्शन आता है वो आता है ब्रेन वेव्स. ब्रेन वेव्स में एक ये ऐसा फीचर है, एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जिसमें आपकी ब्रेन, जो आप सोचते हैं, जो आपका थॉट लेवल है, उसकी मैपिंग होती है. एक पर्टिकुलर पोजीशन में आपने क्या सोचा, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपने जब सोचा तो आपके दिमाग में क्या उथल पुथल हो रही थी, वो सब ये स्कैन करता है और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन मिलती है अनलॉकिंग की, या कह लीजिए कि एंट्री के लिए कहीं कोई एक ऐसा डोर है जहाँ पे आपको एंटर करना है, उसके अंदर वहाँ पर इस ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप एंट्री कर पाते हैं. जो अगला कूल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो आता है वेन मैचिंग का. अब इसमें होता क्या है कि आपके हाथ की पर्टिकुलर वेन्स को मैच स्कैन किया जाता है, आपकी उंगलियों की वेन्स को स्कैन किया जाता है, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन के बाद ही ये पता चल जाता है कि हाँ ये ही है वो रियल पर्सन जिसकी ये, क्योंकि वेन्स को तो आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते. फिंगरप्रिंट्स को ज़रूर आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट वेन्स को आप कैसे रेप्लिकेट करेंगे. और इसीलिए जो ये वेन्स मैचिंग का फीचर है काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट है, और जो वेन्स हैं आपकी वो बन जाती हैं आपका पासवर्ड, है ना. ये कमाल की बात. आपने अभी तक जाना कि फेस अनलॉक जो एक नया फीचर चल रहा है, आपके लिए एक नया फीचर है वो, बट आपको पता है कि आपका ईयर स्कैन भी होता है, ईयर अनलॉक फीचर भी होता है. इसमें क्या होता है कि आपके ईयर को स्कैन किया जाता है और फिर ऑथेंटिकेट किया जाता है कि हाँ भाई ये सही बंदा है नहीं. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपके कान होते हैं वो हर इंडिविजुअल के
अलग डिजाइन के होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, जिसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और इसी तरह से ईयर को स्कैन करके उसको पासवर्ड की तरह यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट एक कूल कॉन्सेप्ट है वो है आपकी हार्ट बीट को लेकर। फ्रेंड्स, हार्ट बीट का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है आपका, हर पर्सन में ये वेरी करती है, और इसीलिए आपकी हार्ट बीट को मेजर किया जाता है कुछ स्पेसिफिक रिस्ट बैंड्स के थ्रू, और उसके बाद ऑथेंटिकेट किया जाता है कि हाँ यही है वो जो सही बंदा है, और मिल जाती है आपको एंट्री उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी जोन में। अगला जो एक कूल फीचर निकल कर आता है वो आता है वॉइस रिकॉग्निशन का। आपने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू डोर खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है, तो ये भी एक रियलिटी है। और वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू आपको ऑथेंटिकेशन दिया जाता है। जो नेक्स्ट कूल फीचर आ रहा है, आपने शायद हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, फॉर एग्जांपल मिशन इम्पॉसिबल मूवी में इस फीचर को दिखाया गया है, और इसका नाम है गेट एनालिसिस। ये आपकी चलने के पैटर्न को एनालाइज करता है, आपकी बॉडी मूवमेंट को एनालाइज करता है, और काफ़ी बारीकी से आपकी मूवमेंट्स को एनालाइज करता है, और उसके बाद ही आपको ऑथेंटिकेशन देता है कि आप जो राइट पर्सन है या नहीं है। ये इस तरह से भी काम करता है, काफ़ी कूल फीचर है गेट एनालिसिस का। आपकी चाल, मेनली आपकी वॉक को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से आप चलते हैं, जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं वो नियरली इम्पॉसिबल होता है उसको कॉपी करना, और इसीलिए इसका भी हेल्प लिया जाता है हाई सिक्योरिटी जोन्स में। जो नेक्स्ट लेवल ऑथेंटिकेशन है वो एक बहुत ही कूल सा फीचर है। फ्रेंड्स, आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं और एक पर्टिकुलर पासवर्ड भी होता है, लाइक 12345 या 123, ऐसे आप पासवर्ड रखते हैं ना, तो ये फीचर आपकी पासवर्ड को टाइप करने की स्पीड को मेजर करता है। आपने कितनी सेकंड्स में 123 टाइप किया या 12345 टाइप किया, आपने किस एक की से दूसरी की में जाने के लिए कितना टाइम लिया, ये सब कुछ एनालाइज किया जाता है। आपके बेसिकली टाइपिंग पैटर्न को देखा जाता है, और ये बन जाता है एक आपका पासवर्ड, जिसे बोलते हैं की स्ट्रोक पैटर्न, है ना। ये काफ़ी कूल सा फीचर, सोचिए अगर ये आपके फ़ोन में आ जाए, अगर आपका पासवर्ड किसी को पता भी है कि आपने कोई 12345 या 6789 ऐसा कुछ पासवर्ड डाला हुआ है, वो डाल भी ले बट वो अनलॉक नहीं कर पाएगा आपके फ़ोन को, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर पैटर्न है उस एक की से दूसरी की पे जाने का, वो एनालाइज होता है और उसके बाद ही ऑथेंटिकेशन मिलता है अनलॉक के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कूल फीचर्स, कूल सिक्योरिटी फीचर्स जो आपको शायद नहीं पता थे, और मैंने कोशिश करी आपको इन सभी के बारे में बताने की। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा ऐसा फीचर बहुत अच्छा लगा, और आप चाहेंगे कि ये पब्लिक में भी आना चाहिए, आप सभी के बीच में ये ऑथेंटिकेशन फीचर आ जाए, तो आप इनमें से कौन सा एक फीचर चूज करेंगे। मेरे फेसबुक पेज राहुल गैजेट कैफे पर आप ये सभी चीज़ें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस पेज को, ताकि हम जान सकें कि आप कितना हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और साथ ही साथ और क्या आप इस शो में सुनना चाहेंगे, मैं ये भी जानना चाहूँगा। फेसबुक पेज है हमारा राहुल गैजेट कैफे, इसे याद रखिए। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक से आपको यूट्यूब चैनल पे भी हमारे सभी शोज अवेलेबल हो जाएंगे, और चैनल का क्या नाम होगा
वो मैं आपको अगले शो में बताऊंगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com पर जाकर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आज के शो में इतना ही और मिलेंगे अगले हफ्ते वेडनेसडे को 9 बजे। टिल देन बाय-बाय, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, आप फ्लाइट ऑफ लाइफ।